महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्लग बोकारो जारंगडी में माओवादियों ने की फायरिंग, चिपकाया पोस्टर। बेरमो बोकारो जिले के सीसीएल कथारा क्षेत्र में जारंगडी खुली खदान तथा रेलवे साइडिंग में माओवादियों द्वारा पोस्टर चिपकाकर दहशत फैलाने के उद्देश्य से एक राउंड फायरिंग किया गया। घटना सोमवार की रात्रि लगभग 10 बजे की बताई जा रही है। बोकारो एसपी चंदन झा ने घटना की पुष्टि करते हुए माओवादी घटना से इनकार किया तथा जाँच की बात कही है। घटना के बाद खासकर वहाँ कार्यरत कामगारों में दहशत देखा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की रात्रि लगभग 10 बजे 3 बाइक सवार 9 वर्दीधारी कथारा क्षेत्र के जारंगडी खुली खदान में अस्त्र शस्त्र से लैस होकर खदान में पोस्टर चिपका कर कर्मियों को धमकाया। साथ ही वहीं खड़ी वाहन क्रमांक झारखंड 0AR0241 के आगे सीसा में एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है। इसके अलावा वर्दीधारी माओवादी जारंगडी रेलवे साइडिंग जाकर पोस्टर चिपकाया। खुली खदान में कार्यरत कर्मियों को धमकाते हुए शांत रहने की भी बात कही गई। कर्मियों के अनुसार सब शस्त्र से लैस थे। माओवादियों द्वारा चिपकाए गए पोस्टर में सीसीएल द्वारा जमीन अधिग्रहण किए गए किसानों को उचित मुआवजा देने की बात कही गई है। निवेदक में उत्तरी छोटा नागपुर जोनल कमेटी NSPM न्यू सशस्त्र पीपुल्स मोर्चा लिखा गया है। इस संबंध में बोकारो के पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि उक्त घटना की पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने एक हवाई फायरिंग की बात कही। बाइट अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश चंद्र झा, धन्यवाद। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जो है तीन मोटरसाइकिल पर आकर के यहाँ फायरिंग की गई और दहशत फैलाने के उद्देश्य से ही जो है अवैध पैसे की उगाही के लिए किया गया है। इसमें हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और इस जो अपराधी तत्व इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी हम लोग जिससे गिर करेंगे। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।